सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ गेम। एक बार सबका फिर से स्वागत है सिद्धार्थ गेम। आज खेल रहे हैं गाइस GTA 5। और गाइस सब बंदों की कमेंट आई थी भाई उस अल्ट्रॉन वाले शॉट में, अल्ट्रॉन और हार वर्सेस हल्क वाले में, तो उसी की भाई ये लॉन्ग वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जैसे नया बंदा है चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन जाता है ऑल पे सेट, जिससे मतलब आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो भाई आज के दिन भैया फ्रैंकलिन भैया ऐसे गर्मी थी बहुत लॉस एंड, तो उसमें तो चड्डी बनियान में घूमने निकले थे भाई। तो ये जा रहे थे बैंक की साइड, इन्हें करना था पैसा जमा। तो ये फटाफट से अपनी बुलेट लेके भैया हरी कलर की निकल जाते हैं बैंक की साइड। पहुंचते हैं बैंक के पास, भैया ट्रैफिक रूल भी फॉलो कर रहे थे क्योंकि मस्ती आ रहा था ना भाई अगला। भाई थोड़ी देर बाद इन्हें हल्ले की आवाज़ आती है चारों तरफ से, पता नहीं कहाँ से सब लोग हल्ला मचाते फिर रहे थे। तो भाई ये सोचता है पता नहीं क्या हो रहा क्या हो रहा, ये निकल जाता है पहले तो आगे निकल जाता, फिर भाई ज़्यादा हल्ला होने लगता तो गाड़ी मोड़ता। फिर हमारा फ्रैंकलिन भैया गाड़ी मोड़ने के बाद भैया मुड़ के जाते हैं सामने, देखते हैं अभी यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो सामने जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो एक खूंखार अल्ट्रॉन भैया सफ़ेद कलर का आके हम लोगों के ऊपर पत्थर मारता है पहले फेंक के, तो हम बच जाते हैं पत्थर से। तो लेकिन वो आके हमें देता है, हमारी गाड़ी गिर जाती है। हम जैसे तैसे भैया वहाँ से भागते हैं, दौड़ लगा के भागते हैं। फिर वो अल्ट्रॉन दूसरे को टारगेट कर लेता है, फिर अपनी मोटरसाइकिल लेके जल्दी से वहाँ से भागते हैं भाई, क्योंकि बिना भागे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, बच तो सकते नहीं है भाई अल्ट्रॉन से, उसके पास ज़्यादा पावर थी। तो भैया मैं बुलेट चला रहा था बहुत स्पीड में, मतलब लेके भाग रहा था। मैंने सोचा पहले लॉस एंथस से भाग जाऊं छोड़ के, उसके बाद मुझे याद आता है एकदम से कि अरे यार हमारे पास तो एक फ्रेंड था जिसका नाम था सोनिक, हमने लिया था उसे। तो हम निकल जाते हैं भाई फटाफट से लॉस एंथस के एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है ना उड़ने उड़ने वाली। तो फटाफट से निकल जाते हैं भैया वो टेम्पल में, जो लॉस एंथस उसका टेम्पल रहता है ना, फ्लोटिंग टेम्पल हवा में जो फ्लोट करता रहता है। तो फटाफट से निकल जाते हैं उसके पास, और भैया यहाँ पे जहाँ से एयरपोर्ट में घुसते हैं तो यहाँ पे लग जाती है हमारे पीछे पुलिस। तो पुलिस वुलिस की कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपन जानते हो ना तुम, केस वेस की कोई टेंशन नहीं रहती। फ्रैंकलिन को फटाफट से यहाँ से निकलता है अपनी बुलेट लेके, पुलिस बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर भी अपन निकल जाते हैं अपना भैया एरोप्लेन लेके, प्लेन मंगा लेते हैं, मतलब अपना प्लेन नहीं रहता दूसरे का, चोरी करते हैं अपन प्लेन और प्लेन को उड़ा देता हूँ पुलिस से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब अपना प्लेन है अपने पास तो अपन उड़ के भाग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक बढ़िया सब मस्त चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अपन प्लेन उड़ा लेते हैं उसके बाद फटाफट से निकल जाते हैं, प्लेन लेके ऊपर निकल जाते हैं। वो देखो सामने जो टेंपल दिख रहा है ना उसी में लेके पहुँचना है अपन को प्लेन को, और भाई ऊपर से मतलब प्लेन तो उतार नहीं सकते, वहाँ पर रनवे तो है नहीं, तो अपन यहाँ से कूदेंगे ठीक है, जंप मारेंगे, और बढ़िया हैवी वाले पैराशूट ड्राइवर है ना अपन, तो पैराग्लाइडिंग करेंगे यहाँ से हवा में। और फटाफट से प्लेन को छोड़ते हैं, करते हैं पैराग्लाइडिंग भाई, फटाफट से खोलते हैं पैराशूट। पैराशूट खोलने के बाद भैया प्यार से उतर जाता है फ्रैंकलिन भैया, मैं कोई टेंशन नहीं आती उसे, वही है ये तो पूरा सेम जो तुम लोगों ने शॉर्ट में देखा था, इतना पार्ट तो शॉर्ट में भी कवर था ठीक है। इसमें पूरी फाइट कवर की है और पूरी वीडियो कवर की है मैंने बस, क्योंकि सारे बंदों की कमेंट आ रही थी। फटाफट से उतरता है फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पे सोनिक नहीं दिखता तो हम लोग सोचते हैं कि अंदर होगा, तो अंदर भैया जाता है हमारा फ्रैंकलिन ढूंढने। सीढ़ियाँ वो ज़्यादा बड़ी रहती हैं तो कूद के चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे वो रहते हैं ना हीरोज़ वीरोज़ रहते हैं, इसलिए उनके हिसाब से सीढ़ियाँ बनाई होती हैं। फ्रैंकलिन के चुन्नू चुन्नू से पाँव हैं तो वो उसको थोड़ा कूद कूद के चढ़ना पड़ता है। फटाफट से हम उतरते हैं नीचे, पूरा टेम्पल घूम लेते हैं भाई, पूरे टेम्पल में कोई नहीं दिखता हमें, ना बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पर कोई सोनिक वॉनिक नहीं रहता। तो भाई हम निराश होकर वापस जाने लगते हैं, हम सोचते हैं सोनिक नहीं है, लेकिन सोनिक बाहर खड़ा होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लेकिन इसके पास पहुँचते हैं फटाफट से भाई, इससे करते हैं अपनी स्टाइल वाली हाई फाई ठीक है। तो इसके थोड़ी छोटू छोटू से हाथ रहते हैं, इसको पूरी बात बताते हैं, इससे करते हैं अपनी स्टाइल की हाई फाई। ये दे देता है हमको हल्का सूट, मिल जाता है भैया हल्का सूट, को ज़्यादा बड़ा है तो कैमरा एंगल पीछे करना पड़ता है। फिर करते हैं हाई फाई, लेकिन उसके हाथ छोटे रहते हैं, तो अपनी स्टाइल का हैंड शेक करके भाई निकल जाता हूँ मैं। फटाफट से आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद भैया थोड़ी आगे चल के मुझे मिल जाती है हल्की सारी पावर। हल्की पावर मिलने के बाद तुम तो जानते हो फिर फ्रैंकलिन के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, फिर भाई फ्रैंकलिन डायरेक्ट नीचे कूद जाता है हल्क को लेके। हल्क के हम लोगों को ज़्यादा पावर नहीं मिलती है ठीक है, हल्का मुक्का मिलता है सुपर वाला ठीक है, हल्का गामा पावर गामा रिएक्शन से जो वो मारता है वो वाली पावर मिलती है, दो पावर ये मिलती हैं, और ये एक उचक के ऊपर से नीचे सुमर स्लैम करने वाले मिलती है बस ठीक है। तीन चार ही पावर मिलती हैं, पूरी अनलॉक नहीं होती, जितने टारगेट हम मारते जाएंगे उतनी पावर अनलॉक होगी। तो हमको अल्ट्रॉन दिख जाता है तो अल्ट्रॉन भाई फिर से भाग जाता है, तो भाई उसको टारगेट करने के लिए वो हमें मार देता है। पहले ही भैया हल्क हमक कट जाता है ठीक है, मेरे को क्योंकि उतना संभालना नहीं आता था हल्क, और अल्ट्रॉन के पास सारी पावरें थी उसकी ठीक है, मेरे को हल्क का उतना संभालना नहीं आता था। फिर मुझे धीरे धीरे आया तो फिर मैंने उसकी ऐसी तैसी करना शुरू करी। मैं तुम लोगों को पहले भी बता दिया तो सारी पावरें हैं नहीं हल्क की अभी अपने पास,
वो अनलॉक होंगी अल्ट्रॉन को मारने के बाद। 3-4 पावरें खुली थी और तो वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट में जब मैं किसी और को मारूंगा उसमें पावर कवर करूंगा। फटाफट से हम मारते हैं अल्ट्रॉन को, अल्ट्रॉन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके पास भाई जो पावर रहती है ना, ये वाली उसकी बेस्ट पावर लगती मुझे, उड़ के वो जो मारता है ना भाई, इसमें मज़ा आ जाती है मुझे, फैन हो जाता है मैं अल्ट्रॉन का सही में भाई, जब वो हल्क को उड़ के मारता है जब। फिर हम मारते हैं लेकिन भाई हमारा गामा रिएक्टर वो पूरा चार्ज हो जाता है, तो हम पावर यूज़ करते हैं, उसी से वो गिर पड़ता है। उसके बाद उसमें ज़्यादा उसके पास वो वाली वो भी रहती है पावर एब्जॉर्ब करने वाली, तो हमारी पावर वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, उसके पास भी सेम पावर आ जाती है। तो हम फिर भी मारते हैं उसे, फिर वो हम पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं फ्लाइंग वाला मुक्का चलाता हूँ, फिर वो गायब हो जाता है वहाँ से, वहाँ पे नहीं रहता, लेकिन फिर वो उचक के दूसरी जगह चला जाता है। हम हवा में उड़ते उड़ते चल रहे होते हैं, हल्के पास ये भी पावर है, वो फिर उड़ के मारता है भाई। उसके बाद फिर हम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ वाली पावर कोई काम नहीं करती मेरी, ठीक है। ये वाला पूरा जो पावर का वो रहता है ना अल्टीमेट वाला, वो बर्बाद हो जाता है इस ब्रिज के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रिज के चक्कर के बाद मैं फिर से यूज़ करता हूँ तो वो गिर जाता है, लेकिन वो अब पावर यूज़ करके बहुत मारता है भाई हल्क को, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर थी ना, इस वजह से हल्क थोड़ा बहुत कुट जाता है, लेकिन हाँ फिर लास्ट में हल्क अपनी यूज़ करता है पावर, मेन जो मेरे पास मेन पावर थी हल्क की, वो मैं लास्ट में यूज़ करके भाई उसे मार देता हूँ। लास्ट में वो मर जाता है, फिर वेट करता हूँ मैं 2 सेकंड का कि जिंदा है कि मर गया, फिर मर जाता है, फिर भाई वो लास्ट में अपनी मेन पावर यूज़ करके पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर देता है। आखिरी सांसें चल रही होती हैं उसकी, पूरी ख़त्म कर देता है उसे लास्ट में करके, और पूरा मार देता है उसे, दोनों तरफ से मार देता है, ख़त्म कर देता है। थोड़ी एक्स्ट्रा गुस्सा आ जाती है हल्क को, तो उतारने लगता है उसके ऊपर, क्योंकि हल्क को उसने थोड़ा सा मार दिया था ना, इसलिए हल्क को थोड़ी एक्स्ट्रा गुस्सा आ जाती है। फिर पुलिस वुलिस आने लगती है, हेलीकॉप्टर और पुलिस की गाड़ियाँ, तो फटाफट से भैया हल्क उड़ता है और उड़ के निकल जाता है यहाँ से। ये उड़ने वाली पावर भी बेस्ट है, मतलब हल्की उचकने वाली, सुपर जंप वाली, ठीक है, उड़ना तो नहीं कहेंगे, इसे सुपर जंप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सुपर जंप मस्त है, ठीक है। तो इसको सुपर जंप यूज़ कर करके भैया इसको लेके जाता हूँ मैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा तबाही के लिए सॉरी, ये फ्रैंकलिन ज़्यादा फ्लो फ्लो में हो गया था, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा तबाही कर दी थी उसने। वो सामने दिख रहा है टेंपल, तो उसमें सूट वापस करने जाना है, अगर सूट वापस नहीं करेंगे तो साला फिर वो बाद में नहीं देगा हरामी अपन को। तो फटाफट से मैं निकल जाता हूँ भैया सूट वापस करने, आखिरी जंप लेता हूँ ये हल्क की भैया इसके बाद, क्योंकि हल्क का सूट चला जाएगा हमारा, तो अफसोस, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर से लाऊंगा मैं हल्का सूट, समझ रहे हो ना। बताना तुम लोग अगर सेकंड पार्ट चाहिए हो किसी और से लड़ाई का, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फटाफट से चला जाता हूँ हल्क को भैया अंदर लेके, हल्क को अंदर लेने के बाद पावरें चली जाती है हल्क की, सारी पावर चली जाएंगी, हल्का सूट चला जाता है, फ्रैंकलिन हमारा वही पुरानी औकात में आ जाता है, पता नहीं कौन अंकल रहता है, ये पैसे ले लेता, मतलब पावर ले लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाय।